मनीष जी, ये आज वो बाद में उसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया, जयराम रमेश ने, कि अभी तय हुआ है कि राष्ट्रीय स्तर पे और राज्य के स्तर पे हर जिले में प्रदर्शन, धरना प्रदर्शन, मतलब बवाल, हड़कंप, हंगामा ये करेंगे इस फैसले के खिलाफ, और ये राहुल गांधी की सदस्यता खत्म की गई है उसके खिलाफ, इस फैसले के खिलाफ वो कल से कांग्रेस प्रदर्शन करेगी राज्य में, जिला स्तर पे और बाकी राष्ट्रीय स्तर पे अलग अलग नेता इसको करेंगे। तो मनीष जी, दर्शकों को बता दूं कि कांग्रेस का जब ये ऐलान सुना तो मुझको याद आ गया इनके कुकर्म, कि ये किस तरह से कानून को अपने पैर की जूती समझते हैं। मनीष जी, 12 जून 1975, मैं साहबानों की बात नहीं कर रहा हूँ, साहबानों को तो किस तरह से इन्होंने धज्जियां उड़ाई, इसकी बहुत चर्चा हो चुकी, बहुत चर्चा हो चुकी। 12 जून 1975 को भी बहुत चर्चा हुई, जब इंदिरा गांधी को इसी तरह से डिस्क्वालीफाई किया था जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा ने, तो ये तो आता कि उन्होंने डिस्क्वालीफाई किया था, लेकिन उस दिन कांग्रेसियों ने क्या किया था मनीष जी, 12 जून 1975 को जब फैसला आया और जगमोहन लाल सिन्हा ने उनको डिस्क्वालीफाई किया, तो मनीष जी इलाहाबाद हाई कोर्ट के गेट पे उनका पुतला फूंका गया, कांग्रेसियों ने फूंका फूंका और एक नेता के नेतृत्व में फूंका, खूब गालियां बकी गई जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा को, और नारा लगाया गया कि इंदिरा तेरी सुबह की जय, इंदिरा तेरी शाम की जय, इंदिरा तेरे नाम की जय, इंदिरा तेरे काम की जय, ये नारा लगा जगमोहन लाल सिन्हा को, गालियां बकी गई, उनका पुतला फूंका गया, और मनीष जी ये कुकर्म जिस नेता के नेतृत्व में किया गया था, उस नेता को 1980 में जब कांग्रेस की उत्तर प्रदेश की सत्ता में वापसी हुई, तो कांग्रेस ने बड़े बड़े नेताओं को किनारे करते हुए उस नेता को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया था, और उस नेता का नाम था विश्वनाथ प्रताप सिंह, वीपी सिंह। अरे वो 1980 में बहुत शालीन, बड़े भद्र, बड़े कुलीन व्यक्तित्व उनका कहा जाता है, उनके कुकर्म उस समय के अखबारों में और कई किताबों में दर्ज है, कि जिस दिन 12 जून 1975 को फैसला आया इंदिरा गांधी का, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट के गेट पे जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा का पुतला फूंका गया, उनको गालियां बकी गई भद्दी भद्दी, और इंदिरा तेरी सुबह की जय, इंदिरा तेरी शाम की जय, इंदिरा तेरे नाम की जय, इंदिरा तेरे काम की जय, ये नारे गूंजे इलाहाबाद हाई कोर्ट में। तो ये कांग्रेस का कल्चर आज से 49 साल पहले का है, तो ये समझिए। और सबसे खास बात है कि ये कुकर्म करने वाले को 5 साल बाद जो सरकार मिली, तो उसको उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया। उस दौर का इतिहास पढ़िए तो उस वीपी सिंह से सीनियर बहुत से लोग थे, लेकिन सबको किनारे करके, क्योंकि उसने वो कुकर्म किया था। बाद में तो वीपी सिंह के बारे में सब लोग जानते हैं कि क्या हुआ और क्या राजनीति के दांव पेच रहे, तो ये एक था। और उसमें मनीष जी, जरा इनको कांग्रेसी सुन रहे हो तो उनको याद दिला दूं कि एक बहुत सेकुलर पत्रकार हुए हैं, सेकुलर होने के साथ साथ वो भाजपा के बड़े जहरीले विरोधी, जिनको कह सकते हैं आप, कुलदीप नैयर। कुलदीप नैयर ने किताब लिखी है इस पूरे मुकदमे पे, मनीष जी किताब लिखी है वो, कि द जजमेंट करके, द जजमेंट इनसाइड स्टोरी ऑफ द इमरजेंसी इन इंडिया, उसमें मनीष जी उन्होंने लिखा है कि मैं जब जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा से मिलने गया, तो उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर बड़ा दबाव डाला गया कि बताऊं कि मैं फैसला क्या करने वाला हूं, वो बता नहीं रहे थे। जरा कांग्रेस की कुंडली समझिए, जब मैंने नहीं डाला तो मेरे स्टेनो, उसका नाम शायद पन्ना लाल था, पन्ना लाल या मन्ना लाल था, उस पर दबाव डाला गया, चाहे मेरे माली, मेरे रसोइये, मेरे चौकीदार, उन पर दबाव डाला गया, और जो साधु संत पंडित तक भेजे गए मेरे घर भेष बना के, वो आए, पूरे सीआईडी लगाई गई। और उसके बाद मनीष जी ने लिखा कि इलाहाबाद के एक कांग्रेसी सांसद, जरा सुनिए, कि इलाहाबाद कांग्रेस के एक कांग्रेसी सांसद मेरे घर आकर मुझ पर दबाव बनाने लगे, और कुलदीप नैयर ने अपनी इस किताब में लिखा है कि जब वो दबाव जरूरत से ज्यादा हो गया, तो जगमोहन लाल सिन्हा को अपने घर से गायब होना पड़ा, जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा को वो गायब हो गए अपने घर से। जब वो गायब हो गए तो उनके जो स्टेनो था उसको पकड़ लिया, तो मनीष जी उस स्टेनो ने अपने बीवी बच्चों को अपने ससुराल भेज के, वो स्टेनो भाग के जगमोहन लाल सिन्हा के घर में आ गया, शरण ले ली उसने। उसके बावजूद स्थिति इतनी खराब थी कि जगमोहन लाल सिन्हा को जो ऑपरेटिव पार्ट था वो अपने हाथ से लिखना पड़ा, उन्होंने टाइप तक नहीं कराया किसी से, उनको ये डर था कि अगर ये पहले वो पता चल जाएगा कि मैं क्या फैसला करने जा रहा हूँ, तो मुझको गिरफ्तार करवा लिया जाएगा, ये समझिए ये खेल चल रहा था। और मनीष जी, जरा ये बहुत जुडिशरी की बात करके आया है ना, ब्रिटेन में भी राहुल गांधी, उसी में मनीष जी, वो बड़ा दस्तावेजी किस्सा है, जरा दर्शक समझ लें।
उसके बाद उन्होंने नाम दिया है कि उस समय के जो तत्कालीन चीफ जस्टिस ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट, वो जगमोहन लाल सिन्हा से मिले। उन्होंने कहा कि मेरी इंदिरा जी से बात हुई, वो इंदिरा जी के बड़े करीबी थे, ए, मेरी इंदिरा जी से बात हुई, इस फैसले के बाद तुमको सुप्रीम कोर्ट भेज दिया जाएगा। और जगमोहन लाल सिन्हा ने तो खैर क्या किया दुनिया जानती है कि उन्होंने इंदिरा गांधी को डिस्क्वालीफाई किया था उस मुकदमे में। और जब वो इस बात के ये बात सच कहती है कि मतलब चीफ जस्टिस को भेज के एक जज जो हाई कोर्ट का जस्टिस था उस पर दबाव डलवा रहे थे कांग्रेसी, इलाहाबाद का अपने सांसद को भेज रहे थे। अब कुलदीप नैयर ने मनीष जी उसी में एक बहुत कुलदीप नैयर वो शशि भूषण, ये जो प्रशांत भूषण के शांति भूषण के पिता, उन्होंने भी अपनी किताब लिखी है। उन्होंने लिखा है कि जब चरण सिंह की सरकार बनी, सरकार पलट गई कांग्रेस की 77 में, तो वो जो चीफ जस्टिस महोदय थे उनको किसी आयोग का सदस्य चेयरमैन बना दिया था चरण सिंह ने। तो शांति भूषण ने उनसे कहा कि ये वो आदमी है जो इंदिरा गांधी मुकदमे में दबाव डालने गया था। और शांति भूषण ने जगमोहन लाल सिन्हा से कहा कि क्या आप ये बात कहने के लिए तैयार है? तो जगमोहन लाल सिन्हा ने, जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा ने चरण सिंह से कहा कि हाँ, ये आदमी मुझ पर दबाव डालने के लिए आया था। चरण सिंह ने उनसे पूछा चीफ जस्टिस से कि क्या तुमने कुकर्म किया था? तो उन्होंने कोई हाँ या ना में तो जवाब नहीं दिया, लेकिन अपने चेयरमैन के पद से इस्तीफा दे दिया। तो ये समझिए कि आज जो नाटक हो रहा है, नौटंकी हो रही है सूरत की एक अदालत के खिलाफ, ये नाटक नौटंकी कोई नई नहीं है, पहली बार नहीं हो रही है। कांग्रेस इस तरह की नौटंकी कोर्ट को, अदालत को, और मैं कह रहा हूँ, मैं इलाहाबाद हाई कोर्ट की बात कर रहा हूँ, कि किस तरह से अपना गुलाम, अपनी रखेल बना के रखने की कोशिश करती थी। ये जस्टिस जगमोहन लाल का किस्सा बहुत, उसके लिए इससे बड़ा कोई उदाहरण हो नहीं सकता। मैंने कहा दो किताबें हैं, और वो कुलदीप नैयर, मैंने कहा ना, बहुत घनघोर भाजपा विरोधी और जहरीला भाजपा विरोधी कह सकते हैं, परम सेकुलर उन्होंने लिखा है। और लिखने के बाद वो कम से कम 25 साल वो जिंदा रहे, कभी कांग्रेसी ने किसी ने मानहानि का मुकदमा उन पर नहीं किया कि तुम क्या लिख रहे हो। तो ये तो मनीष जी अदालत की बात थी। और ये राहुल गांधी जो इतना बेलगाम है, इतना बेशर्मी से अपने उस कुकर्म को जायज ठहरा रहा, बता रहा है कि मैं किसी से डरता नहीं हूं, मैं माफी नहीं मांगूंगा, तो मनीष जी ये पहली बार थोड़ी हो रहा है, ये भी पहली बार नहीं हो रहा है। जरा इनके इनके कर्म सुन लीजिए, ये कानून को भी अपना गुलाम बना के रखते हैं। कानून ये इसी इनकी आदत बिगड़ी हुई है, पिछले 9 साल से नरेंद्र मोदी इनको इसीलिए इनके गले के नीचे नहीं उतर रहे, नरेंद्र मोदी इनकी आंखों में कांटा इसीलिए बने हुए हैं, क्योंकि किस तरह से कानून के साथ ये नंगा नाच करते थे, कानून के साथ बलात्कार होता था। मनीष जी उसका एक किस्सा सुना दूसरा कांग्रेसियों, इन कांग्रेसियों का, मनीष जी 27 वो तारीख है 1962 में, हाँ 1962 में मनीष जी भारत इंडिया चाइना वार चल रही थी, और उस समय यूपी पुलिस ने एक लड़के को पकड़ा, नौजवान को, उसके पास से मनीष जी 200 किलो अफीम बरामद हुई। 200 किलो अफीम के साथ वो आदमी पकड़ा गया, उसके बाद वो कैसे चला, वो कहाँ गया, वो कहानी छोड़ दीजिए। फिर इस घटना के बाद 1984 में लखनऊ में विधायक निवास में एक विधायक के, कांग्रेस के विधायक के घर छापा मारा गया, और ये छापा इंटरनेशनल कहीं से सूचना मिली थी, तो दिल्ली से सीबीआई की टीम ने आके मारा था। और वो छापा जब कांग्रेस विधायक के घर में मारा गया, तो उसके पास से 6 किलो हीरोइन बरामद हुई। 6 किलो हीरोइन, आप समझिए, मैं 84 की बात कर रहा हूँ, 6 किलो हीरोइन बरामद हुई, और हीरोइन बनाने और हीरोइन की क्वालिटी चेक करने वाली मशीन भी बरामद हुई मनीष जी, उस विधायक के विधायक निवास से, कांग्रेस का विधायक था। और उसने जब उसको पकड़ा गया, तो उसने सीबीआई से बताया कि उस समय की जो उत्तर प्रदेश की कांग्रेस सरकार थी, उसके एक कैबिनेट मंत्री के भाई ने उसको ये मशीन और हीरोइन दी है। मनीष जी ना तो उस कैबिनेट मंत्री का कभी नाम बताया गया, आज तक नहीं पता है किसी को, वो सीक्रेट रहा। वो लड़का जिसका नाम नाजीर अली था, दर्शक जान ले, शाहजहांपुर की ददरौल विधानसभा सीट से वो विधायक था, और वो उस स्मगलर के लिए कांग्रेस कितनी दीवानी थी कि 1980 में जनता पार्टी के टिकट पर जीता था, लेकिन 81 में 330 सीटें थी उस समय कांग्रेस के पास, उसके बावजूद उसको जनता पार्टी से तोड़ के अपनी पार्टी में शामिल कराया था इन लोगों ने। और वो कायदे से तो उसकी जिंदगी जेल में गुजर जानी चाहिए थी मनीष जी, विधायक निवास के अंदर 6 किलो अफीम के साथ, हीरोइन के साथ वो पकड़ा गया। और दो ये दर्शकों बता दूं कि सन 1962 की भारत युद्ध के समय, भारत चीन युद्ध के समय, जो 200 किलो अफीम के साथ पकड़ा गया था, वो वही नाजीर अली था।
वो वही नाजीर अली था जो 1984 में कांग्रेस का विधायक था, और उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ। 1987 वो कांग्रेस में बना रहा, 1987 में जब कभी वीपी सिंह ने कांग्रेस छोड़ी तो वो वीपी सिंह के साथ चला गया, और जब वो मरा मनीष जी तो उस नाजीर अली के लिए जिला कांग्रेस कार्यालय में बाकायदे एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन करके उसको भाव कांग्रेसियों ने भावभीनी श्रद्धांजलि भी अर्पित करी। तो ये कानून को किस तरह से अपने जूते की नोक पे रखते हैं, कानून को किस तरह से गुलाम बना के रखते हैं। तो ये तो जब इतने बड़े बड़े कांड इनके लिए कोई कम मतलब नहीं रखते थे, तो ये राहुल गांधी के लिए तो वास्तव में छोटा कुकर्मा उस आदमी का, उस आदमी का छोटा कुकर्मा। और जिस तरह से पिछले 2014 तक 67 सालों तक कांग्रेस ने इस देश की जुडिशरी, इस देश के कानून को अपने जूतों से रौंदा है, उसका वही आदत इनकी बिगड़ी हुई है जो अब ये नहीं कर पा रहे हैं। सूरत वाले केस के बाद ये साफ हो गया है, तो ये तिलमिला रहे हो राहुल गांधी ब्रिटेन में जाके गाली बक रहा है कि यहाँ पे जुडिशरी इंडिपेंडेंट, ये झूठ बोल के आया। इसको वहां कहना चाहिए था कि अब जुडिशरी हमारी गुलाम नहीं रह गई, इस गांधी परिवार की गुलाम नहीं रह गई, ये इनके आग लगी हुई है। तो ये दो उदाहरण थे जिससे समझिए कि इस देश की अदालतों और कानून को ये किस तरह से समझते थे। और मनीष ये किस्सा और बता दूं कि 1988 में बम्बई के सेंटूर होटल में छापा पड़ा एनसीबी का, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का, और उस समय के डिप्टी डायरेक्टर थे देवेंद्र दत्त। 27 मई 1988 सेंटूर होटल के छापा पड़ा, सैफ बिरयानी नाम का एक इंटरनेशनल ड्रग स्मगलर था, उन्होंने उसको उनको इनपुट मिली थी, उन्होंने जाके उसको पकड़ा और बाद में उसको वही मामला रफा दफा हो गया। तो उन्होंने मीडिया के अंदर आकर सार्वजनिक बयान दिया था, मनीष जी डिप्टी डायरेक्टर थे उस समय 1988 में देवेंद्र दत्त, उन्होंने कहा कि जब मैंने सैम बिरयानी को पकड़ा तो उसने उस समय की जो केंद्र सरकार की सरकार थी जिसके प्रधानमंत्री राहुल गांधी के पिता श्री राजीव गांधी थे, तो देवेंद्र दत्त ने मीडिया से कहा कि मुझसे सैम बिरयानी ने उन दो कैबिनेट मंत्रियों के जो बहुत पावरफुल थे उनके नाम लेके कहा कि जरा मेरी उनसे फोन पे बात कराओ, और उसने कम से कम चार राष्ट्रीय नेताओं के कांग्रेस के नाम लिया कि अगर मंत्री नहीं तो इनसे मेरी बात करवाओ, मैं तुम्हारी बात करवाता हूँ। वो बात हुई नहीं हुई, लेकिन सैम बिरयानी का उसके बाद कहीं आप लोगों ने नाम पता नहीं सुना होगा। तो ये इस तरह का कानून चाहते हैं, इस तरह की कानून व्यवस्था चाहते हैं, इस तरह की अदालतें चाहते हैं। ये जो आज आप कांग्रेस का देख रहे हैं कुकर्म, ये इन कुकर्मों की जड़ें बहुत गहरी हैं। ये समझिए आजादी मिलने के बाद से ये यही करते चले आ रहे हैं, और इसीलिए इनके आग लगी हुई है। और आज जो नौटंकी आप देख रहे हैं कल से और देखिए आज तक, तो ये कांग्रेस की उस बिगड़ी हुई आदत और इस देश को देश के कानून और अदालतों के साथ फुटबॉल की तरह उनको फुटबॉल समझ के खेलने की जो इनकी गंदी करतूत है उसका वो न कर पाना ही अब इनको तिलमिलाहट दे रहा है, बिलबिला रहे हैं, तड़फड़ा रहे हैं, और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी को रात दिन गाली बक रहे हैं, इसीलिए रात दिन गाली बक रहे हैं।